और यहाँ पर भाई फिर पुलिस वालों ने मैं रोका, बोला भाई आप बिना टिकट के नहीं घूम सकते, टिकट का भाई प्राइस काफ़ी ज़्यादा था, 1000 फॉर फॉरिनर। एंड ये आप देख रहे हो ये काठमांडू दरबार स्क्वायर, यहाँ पर देख सकते हो आपकी इसकी आसपास में सपोर्ट लगाया गया है और ये दीवारें जो है फट चुकी हैं। ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि 2015 में जब भूकंप आया था तो ये कृष्ण जी का जो मंदिर है साल में एक बार ओपन होता है। ओके, और ये कितनी बार ओपन होता है? हर दिन ओपन होता रहता है। और वो जो आपने बताया दुर्गा माता का जो मंदिर, वो साल में एक बार, साल में एक बार ओपन होता है। हाँ, नवमी जो 9 दिन की नवरात्रि हमारे यहाँ चल, नवरात्रि के 9 दिन के लिए वो खुलता है। नो आइडिया, यहाँ पर अभी पता करना पड़ेगा, चीज़ें एक्सपेंसिव हैं जैसे हमने बाहर देखा था वैसी या फिर सब बजट में है, नो आइडिया, लेट्स चेक। तो फाइनली गाइज हम आ गए काठमांडू दरबार स्क्वायर और ये यहाँ का पूरा नज़ारा है, व्यू पॉइंट है। ये देखो काफ़ी चलने के बाद इतना दूर आए और अभी अंदर चला जाएगा, अंदर फिर आपको व्यू नज़ारा दिखाता हूँ। और ये भाई जगह काफ़ी कमाल की है, फुल एडवेंचर, मज़ा आ गया यहाँ तक आने में। वैसे काफ़ी टाइम लगा बट पहुँच गए यहाँ तक और देखते हैं यहाँ अंदर जाने का क्या सीन होता है। और मार्केट भाई ये काफ़ी बढ़िया क्योंकि हम कई मार्केट्स होते हुए आए हैं और हमने चार पाँच किलोमीटर पैदल अभी चला। हाँ भाई ये देखो, ये सब देखो, अभी हम चल रहे हैं वहीं पर। ये देखो ये आगे का कुछ व्यू है, नज़ारे हैं। ये देखो भाई कुछ भी हो फुल एडवेंचर। ओ भाई आगे का स्टैचू मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो जो बना है स्टैचू, इधर स्टैचू बना है उसका भी सीन दिखाता हूँ। अभी मार्केट है पूरी और यहाँ पर कहीं भी अगर आप मार्केट में जाते हो तो ज़्यादातर आपको लेडीज़ देखेंगे, मतलब कि जैसे हमारे इंडिया में जेंट्स वगैरह रहते हैं तो यहाँ पर लेडीज़ रहती हैं। चलते हैं भाई, काफ़ी बड़ा है मार्केट और ये स्टैचू देखो एक बार, स्टैचू कुछ ऐसी सीन है भाई यहाँ का। फाइनली आ गए हम और यहाँ पर कई फॉरेनर भी आए हैं, फॉरेनर की गाड़ियाँ वगैरह हैं और घूमने के लिए यहाँ पर आए हैं तो अपन लोग भी घूम लेंगे यहाँ पर, फिर इसके बाद यहाँ से निकलते हैं। देखते हैं भाई, एक मिनट देखते हैं क्या सीन होता है भाई, टिकट लेना पड़ेगा, टिकट का सीन देखते भाई, टिकट का क्या सीन होता है, कितना चार्ज होता है, उसके बाद यहाँ से लेंगे फिर निकला जाएगा। ये देखो भाई ये पूरा है काठमांडू दरबार। भाई काठमांडू दरबार काफ़ी बड़ा लग रहा है और यहाँ से भी एंटर हम लोग करेंगे और भाई लोग इधर गए हैं वीडियो शूट करने के लिए। और ये मार्केट है, मार्केट से भी अंदर आ गए और ये पूरा सीन यहाँ का दरबार का। ये देखो भाई काफ़ी अच्छी जगह है, अगर मैं पर्सनली बताऊँ तो मुझे भाई हिस्ट्री में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है लेकिन इसका ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूँ यहाँ का। इसीलिए आप देख रहे हो ये काठमांडू दरबार स्क्वायर, यहाँ पर देख सकते हो आपकी इसकी आसपास में सपोर्ट लगाया गया है और ये दीवारें जो है फट चुकी हैं। ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि 2015 में जब भूकंप आया था तो उस टाइम पर यहाँ पर भाई बहुत सारे बिल्डिंग, मतलब ऐसे जो बना गया है सारी, मतलब कि क्रेक आ गई उस दीवारों के बीच में, क्रेक आ गया है। और ऐसा नहीं कि बस उसमें ही, कई सारी जगहों पर, ये देखो एवरीवेयर भाई हर जगह सपोर्ट मारा गया है ताकि इसका आर्किटेक्चर और ये नीचे गिरे ना, और नीचे अगर गिरेगा तो फिर भाई समझ लो दिक्कत ही है। ये पूरा सीन है, पूरा सपोर्ट एवरीवेयर मारा गया है, जितने मतलब जहाँ जहाँ भी दीवारों में इस वो डैमेज थोड़ा बहुत हुआ है, जहाँ जहाँ भी पूरी लाइनिंग बनी है, दीवारें फट गई है, वहाँ पर भाई पूरा सपोर्ट मारा गया। और ये देखो ये आगे का तो कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रहा है और देखते हैं कंस्ट्रक्शन भाई चलेगा, काफ़ी टाइम इसमें लगेगा लेकिन जहाँ जहाँ भी है वहाँ पर सपोर्ट मार दिए हैं लोग। और ये देखो भाई यहाँ पर तो अभी निर्माण चल रहा है, बन रहा है नोना, और यहाँ का ये कुछ ओवर भी हो भाई। और आगे चलते हैं, आगे का देखते हैं, काफ़ी बड़ा है भाई ये जगह ही और हर जगह भाई सपोर्ट मारा गया है, सपोर्ट इसलिए ताकि गिर ना जाए और इसकी सुंदरता पहले की जैसे बरकरार रहे, दैट्स व्हाई सपोर्ट मारा गया है उस चीज़ को, क्योंकि ये सारी चीज़ बहुत पहले समय में बनाई गई थी और आज के समय में बहुत ही कम इस तरीके से चीज़ें बनाई जा सकती है, दैट्स व्हाई सपोर्ट मारा गया है कि वो चीज़ गिरे ना और वैसे बनी रहे और टूरिस्टिक प्लेसेस में से भी ये एक है। और आगे देखो मंदिर है, किसका मंदिर है नो आइडिया, बट आगे तक चलते हैं, आगे देखते हैं। हनुमान ढोका दरबार भी है भाई, ये देखो ये है हनुमान ढोका दरबार और यहाँ पर इसलिए मुझे एक्चुअली पता चला क्योंकि देखो यहाँ पर लिखा गया है हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम, तो ये हनुमान ढोका दरबार है और हनुमान जी की देखो इधर स्टैचू भी है, मूर्ति भी है, काफ़ी भाई बड़ा है। और अगर आप यहाँ आते हो तो कबूतरों को भी दाना वाना खिला सकते हो, ये देखो काफ़ी कबूतर हैं यहाँ पे, ये देखो मतलब दाने भी खरीदने पड़ रहे हैं भाई, ऐसा सीन है। और यहाँ पर फूल माला सारी चीज़ें मिल रही हैं तो आप जाकर मंदिर में चढ़ा सकते हो और सबका सीन अच्छा है। ये भाई कुछ भी हो कमाल की जगह ही है, यहाँ से चलते हैं अभी
क्योंकि हमें घूम के थोड़ा सा और भी जगह देखना है, तो और भी जगह थोड़ा देख लेंगे, फिर यहाँ चला जाएगा भाई। कबूतरों के बीच में चलते, कबूतर यहाँ सुनेंगे, और ये सपोर्ट मैं आगे का दिखाता हूँ। ये कुछ है ओवरव्यू, और उधर देखो यहाँ पर मंदिर भी भाई बहुत ही ज़्यादा है, बहुत काफ़ी है। ये देखो आगे का, और ये उस टाइम पर जब किसी का राजा का ही था। हेलो हेलो और ये देखो भाई यहाँ पर भी पूरा सपोर्ट मारा गया ताकि ये गिरे ना और कुछ प्रॉब्लम ना हो। यस आई एम फ्रॉम इंडिया, उत्तर प्रदेश। एंड यू? उत्तर प्रदेश माउथ ईस्ट। एंड यू? या हियर। ओके किसी से तले जो भवानी तली तले जो भवानी ओके ओके कौन है शब्द पावा आई टेल मी समथिंग हिस्ट्री अबाउट दरबार स्क्वायर या दिस कॉल तले जो भवानी ओके ओके इनकार्नेशन ऑफ मां पार्वती और दुर्गा व्हाटएवर यू कैन से हिंदी में बात करें या इंग्लिश? हिंदी हिंदी भी चलेगा एंड इंग्लिश भी चलेगा। ये माँ दुर्गा का प्रतिरूप है। अच्छा माँ दुर्गा का प्रतिरूप। अच्छा इसको कहता है शक्तिपीठ। शक्तिपीठ शक्तिपीठ ओके ओके ये मंदिर साल में एक दिन खुलता है। तो भाई ये जो मंदिर है देख रहे हो, ये मंदिर है और ये साल में एक बार ही ओपन होता है जैसा कि सर बता रहे हैं, और यहाँ से लोकल हैं। आपका नाम सर? सुमन कुमार साके। सुमन कुमार साके ओके ओके। सिद्धार्थ गौतम का। और भी कुछ यहाँ का हिस्ट्री? अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है क्या इसका? और इसके बाद वहाँ अंदर जाइए, जो गोरखनाथ है ना आपका, गोरखपुर का। हाँ 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 गोरखनाथ का वो। अच्छा आगे जो मंदिर है क्या ये आगे वाला? वो शिव का मंदिर है। शिव जी का मंदिर है। पशुपति का रिप्लिका है। अच्छा अच्छा मैं बोल रहा हूँ ये फ्री है ना। हाँ फ्री के अंदर पादुका है। अच्छा अच्छा पादुका। अच्छा अच्छा चप्पल होते ना पहले समय जो पादुका पहनते थे वही पादुका गोरखनाथ की। तो भाई यहाँ पर गोरखनाथ की पादुका यहाँ पर है, और भाई बहुत ही दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं सर, यहाँ से लोकल हैं उसको बहुत। और यहाँ काल भैरव है। काल भैरव का रूप। अच्छा वो जहाँ वो रखा गया क्या वो खस्सी वहाँ पे जो है वो काल भैरव है, गॉड ऑफ द टाइम। ओके ओके डिसाइड करता है आपका मृत्यु। हाँ हाँ और वही यहाँ की ऐसी कुछ हिस्ट्री है, और यहाँ पर काफी देवी देवताओं की स्टैचू होगी ना भाई। ये काल भैरव का मंदिर है ना? काल भैरव का मूर्ति नहीं मंदिर। हाँ वही काल को कौन सुन सकता है। देखो इसको बोलता है काल भैरव। अच्छा अच्छा ये भाई गॉड ऑफ द डेथ काल भैरव की स्टैचू है, ये देख सकते हो आप। और यहाँ पर भाई यहाँ के फ्लैग भी हैं। ये कृष्ण जी का जो मंदिर है साल में एक बार ओपन होता है। ओके और ये कितनी बार ओपन होता है? हर दिन ओपन होता रहता है। और वो जो आपने बताया दुर्गा माता का जो मंदिर वो साल में एक बार, साल में एक बार ओपन होता है। हाँ नवमी जो नौ दिन की नवरात्रि हमारे यहाँ चलती है, नवरात्रि के नवरात्रि के नौ दिन के लिए वो खुलता है। और इसके यहाँ अंदर 108 बफालो है ना वाटर। अच्छा अच्छा का सैक्रिफाइस होता है। अच्छा अच्छा बलिदान दिया जाता है। क्यों होता है कि बफालो रावण का स्वरूप। अच्छा अच्छा दुर्गा माता ने जब यानी विजया दशमी नवमी को रावण का वध किया ना, इसीलिए 108 लकी नंबर 108 रुद्राक्ष एंड All things. Yeah, inside 108 buffalo will be chopped out. Okay. तो यहाँ पर भाई देखते हैं फ्रूट। ये फ्रूट अच्छा ये कितने का है? 200 का। अच्छा 200-150 का है ना, नेपाली करेंसी। और ये वाला जो आप दिखाए हो ये वाला, ये भाई ये जो देख रहे हो ये 1000 का ना, 1000 नेपाली करेंसी में है भाई सीन। ये कितना बजे? 150 ना, तो 150 का फ्लूट भाई काफ़ी अच्छी जगह। वैसे यहाँ पर हर एक चीज़ मिल जाती है ना। और ये देखो भाई यहाँ का पूरा सीन है। तो भाई सीन ऐसा हुआ कि भाई घूम रहे थे अंदर फिर बाहर आए, मतलब कि मैं अभी गेट पे ही, हम लोग इधर थे, बाकी मैंने तो अंदर से काफ़ी कवर कर लिया था। और यहाँ पर भाई फिर पुलिस वालों ने हमें रोका, बोला भाई आप बिना टिकट के नहीं घूम सकते। टिकट का भाई प्राइस काफ़ी ज़्यादा था, 1000 फॉर फॉरिनर एंड 150 फॉर लोकल्स। तो ऐसा कुछ सीन था, तो हमने कुछ भाई लिया नहीं, टिकट नहीं लिया। और फिर अब अंदर से फोटोज वगैरह भी हमने कुछ नहीं लिया, वीडियो कैप्चर हमने लेकिन कर लिए काफ़ी जगह की, और आगे चलेंगे। और यहाँ की मार्केट है भाई, गलियों की मार्केट, और यहाँ पर घूमेंगे, उसके बाद देखते हैं कहाँ चलना होता है। ये यहाँ की गली है और मार्केट्स है भाई, ये गलियों में चल रहे हैं भाई, यहाँ की लोकल्स मार्केट ये है। और अभी हमारा डेस्टिनेशन भी फाइनल नहीं हुआ है कि कहाँ पर जाना है, बट लेट्स सी कहाँ पर चलते हैं। ये पूरा मार्केट है भाई यहाँ का, नो आइडिया। यहाँ पर अभी पता करना पड़ेगा, चीज़ें एक्सपेंसिव हैं जैसे हमने बाहर देखा था वैसी, या फिर सब बजट में है, नो आइडिया। लेट्स चेक क्या होता है भाई। ये देख लो यहाँ की मार्केट है, कपड़े वगैरह काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं भाई, देखने में तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं वैसे तो।